हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा प्रेशर लीकेज मैग्नेटिक वाल्व इन टावर वैगन DTC या DSTC जो कि टावर वैगन DSTC या DTC जो प्रेशर लीकेज मैग्नेटिक वाल्व से अगर आपका लीकेज प्रेशर हो रहा है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और क्यों लीकेज हो जाता है यहाँ से प्रेशर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ से ये लीकेज होता है, इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। देखिए, ये हमारा प्रेशर लीकेज मैग्नेटिक स्विच है। यहाँ से दोस्तों हमारा प्रेशर जो है ना लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लीकेज इसलिए होता है यहाँ से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना दोस्तों जाम हो जाता है, तो कचरा बैठ जाने के बाद वहाँ पर आपका ये प्रेशर जो है ना फंस जाता है, सही से सर्कुलर नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ से प्रेशर आपका लीकेज हो जाता है। धीरे धीरे कचरा यहाँ पे बैठ जाता है तो यहाँ से प्रेशर आपका लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब तक आपका प्रॉपर वे प्रेशर नहीं रहेगा तब तो आपका गाड़ी रिलीज नहीं होगा और प्रॉब्लम समस्या होगा गाड़ी बढ़ाने में, ठीक है, ब्रेक रिलीज करने में, अप्लाई करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ पे आपका प्रेशर लीकेज मैग्नेटिक वाल्व है वहाँ से आपको इसको खोल करके दोस्तों आपको प्रेशर को जो है सही करना पड़ेगा। तो इसको एलन की से दोस्तों उसको खोलना है, एलन की से खोल के इसको बाहर निकालना है दोस्तों। बाहर निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, किसी से खोल करके बाहर लाना है। और जो वायर लग दोस्तों देख रहे हैं उसको उसी जगह छोड़ देना है, उसको खोल खाल नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके ऊपर वाला जो है जहाँ पे काला है देख रहे हैं, वहाँ उंगली से दिखा रहे हैं, इसको वहाँ से एलन की के माध्यम से खोल के और आपको उसको ला करके डीजल से इसको साफ कर देना है दोस्तों। जैसा कि हम इस वीडियो में पावर वैगन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वाल्व का मेंटेनेंस करना है जो 110 वोल्ट डीसी है, तो सबसे पहले इसको कैप को हटाना है। इस कैप को हटा देना है, कैप को हटा के और इसको नहीं खोलना है, इसको वहीं पर लटका दीजिए। इसमें वायर वहीं खोलना है, इसको वहीं पर लटका दीजिए और इसको 5 KV से खोल लेना है। 5 KV से खुल जाएगा, इसको बाहर निकाल लीजिए और जो एक पार्ट है इसको 12-13 के पाना से खोल लीजिए। जैसे कि हम खोल कर रखते हैं खोलते हैं 12-13 के पाना से इसको खोल लेना है, खोल और इसको मैं डीजल निकाल के साफ करना है। डीजल, हाँ, इसमें डीजल डाल के साफ कर देना है, इसे को भी साफ कर देना है और बाकी आपका यहाँ से पूरा क्लीन हो जाएगा, एयर लीकेज आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और फिर इसी तरह से इसको डीजल में साफा करके इसको लगा के इधर से ऐसे इसको टाइट मार देना है और इसको 12-13 खाना से इसको टाइट करके पूरा टाइट कर इसको मतलब टाइट करके ये देखना। देखिए दोस्तों, साफ करने के बाद देखो इस तरह से आपको क्लीन लगेगा दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों आप साफ़ कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में
आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।